हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग ने मुझे बहुत दिनों से पूछ रहा था और बोल भी रहा था कि सर रैंक के बारे में एक वीडियो बनाइए, और ये बात मेरे ध्यान में भी था कि रैंक के बारे में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। किस तरीके का स्कोर से किस तरीके का रैंक बनता है, क्योंकि मुझे पता है जो लोग कोचिंग में नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये तय करना कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करो और स्कोर के टारगेट रखूं कि मेरा रैंक इतने अंदर आ जाए। क्योंकि मैं भी ये कभी ऑब्जर्व किया था जब मैंने भी जेई का प्रिपरेशन ले रहा था, क्योंकि मैं भी आप लोगों को कहा मैं भी खुद से प्रिपरेशन लिया था, और मेरा जो प्राइवेट ट्यूटर्स और मेरा दीदी वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, तो इसलिए मैं तो कोचिंग में नहीं गया था। मुझे बहुत गाइडेंस मुझे मिल गया था मेरा दीदी से। मेरा दीदी बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही हेल्प किया था। आज वो TCS में जॉब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ डिजाइन डिजाइन में। तो चलिए, और ये जो रैंक मैंने आप बताने जा रहा हूँ, रैंक और स्कोर की वर्सेस में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा मैं वीडियो पे आप लोगों को आज दिखाऊंगा और बताऊंगा कितना स्कोर होने से कितना रैंक होता है, ये पूरे पूरा पूरा तो 100% श्योर नहीं आप लोगों को पता है, क्योंकि ये सब कभी भी 100% श्योरली कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कितनी मार्क्स लाने से कितना रैंक आएगा वो सिर्फ बोर्ड के लोग ही बता सकते हैं, या पर जिस यार क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके का क्वेश्चन होता है, आसान या फिर हार्ड, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को स्कोर के साथ साथ कैसे रैंक आएगा। तो ये तो जो मैं बताना चाहूँगा ये बस ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है। जैसे मैं एग्ज़ाम दिया था, मेरा दीदी ने दिया था, और मेरा कुछ स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ और उनसे बातचीत भी किया है। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने टाइम दिया था मंडे को, लेकिन मुझे लगा थोड़ा बहुत अच्छा जानकारी आप लोगों के पास मैं दे दूँ ताकि आप लोगों के बहुत बहुत आसान है। क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन होता है, 100% श्योर नहीं होता है। मैं पहले ही कह देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि तो 100% नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ 100% नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग मान के चल सकते हैं इतना स्कोर से इतना रैंक आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ कर ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग मुझे बताया किस तरीके का मार्क्स आने से कितना रैंक आता है। मेरा भी टाइम में भी बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि आप लोगों को पता है आज 2017 में 200 में एग्ज़ाम हो रहा है। मैं भी जब दिया था तब भी 2100 में हुआ था, इसीलिए मेरा टाइम का और आपका जो टाइम है वो बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं उसके बाद। ये वीडियो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों को ये देखकर कुछ आइडिया होगा रैंक के बारे में कैसे इसको लाना है और कैसे इसको लाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे मैंने पहले तो बता चुका हूँ कि इस अच्छा स्कोर कैसे करें, आज भी फिर थोड़ा सा बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं, और उसके पहले कहूँगा अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एक जरूर देते जाइएगा। चलिए, सबसे पहले मैं नंबर 1 पे आ जाता हूँ। 150 से लेकर 160 तक आप लोग देख सकते हैं कितना रैंक हो जाता है। 150 से लेकर 160 और 160 से अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 160 के ऊपर प्लस दिया हुआ है, मतलब 160 से ज़्यादा। अगर आप लोग 150 स्कोर करते हैं तो आपका रैंक कितना आता है, 10 से लेकर 0 तक, मतलब आप लोग सबसे पहले रैंक आ सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल करूँगा। उसके बाद जो रेटिंग है आप लोग देख लीजिए, 130 से लेकर 150 तक, इसके अकॉर्डिंग कितना रैंक हो जाता है, 100 से लेकर 0 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 130 से लेकर 150 के अंदर स्कोर करते हैं तो आपका रैंक जो आता है वो 100 से 0 तक। अगर आप लोग 120 से लेकर 130 तक अगर आपका स्कोर हो जाता है, आपका रैंक आ जाता है 500 से लेकर 100 के अंदर। उसके बाद जो ग्रेड है 110 से 120, तो 110 से 120 से आप लोगों का रैंक हो जाता है 1500 से लेकर 500 तक। आप लोग ये वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा,
HD पे तो अवेलेबल है ये वीडियो, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई देगा। चलिए उसके बाद नंबर 5th में जो ग्रेड है 100 से लेकर 110, और जो 5th ग्रेड में रैंक आता है 2000 से लेकर 1500। और नंबर 6th में 90 से लेकर 100 तक ग्रेड है। तो 90 से लेकर 100 अगर स्कोर करेंगे तो आपका रैंक कितना आएगा, 300 से लेकर 300 नहीं 3000 से लेकर 2000। उसके बाद 80 से लेकर 90, अगर आप लोगों को स्कोर 80 से लेकर 90 आता है तो आपका जो रैंक होता है वो 5000 से लेकर 3000। उसके बाद चले आइए 70 से लेकर 80, अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आपका जो रैंक आता है वो 10000 से लेकर 5000 तक। और आप लोगों का स्कोर 60 से लेकर 70 आता है तो आपका जो रैंक हो जाता है वो 15000 से लेकर 10000। सबसे लास्ट वाला जो ग्रेड है 50 से लेकर 60, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 20000 से लेकर 15000। और सबसे लास्ट वाला जो ग्रेड, वो ग्रेड नहीं है लेस देन 50। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लेस देन 50 में होते हैं, जिसका रैंक आता है 30000 से लेकर 30000 की अभाव। चलिए आप लोग स्कोर के साथ साथ जो रैंक होता है वो तो आप लोग देख ही चुके होंगे अभी तक, अब मैं आप लोगों को डिटेल करूंगा थोड़ा बहुत। चलिए मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये जो प्रिडिक्शन है ये 100% श्योर नहीं है, आप लोगों को पता है ये बस एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पूछा और मैं जब एग्ज़ाम दिया था जी का, तब भी किस तरीके का रैंक आया था मैंने देखा था। और आप सभी को पता है इन सबसे बात सबसे बड़ी जो बात हो जाता है वो हो जाता है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर से भी बहुत रैंक का जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए ये जो प्रिडिक्शन 100% राइट नहीं होता है। चलिए सबसे पहले ग्रेड पे चले जाते हैं 150 से लेकर 160 अबव। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि 150 से लेकर 160 ये तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो आईआईटी जेई के जो टॉपर होते हैं उसका जो स्कोर होता है ऑलमोस्ट 350 से प्लस अबव ही होते हैं। तो अगर आप लोग आईआईटी पे 350 ला सकते हैं, लेकिन WBJEE पे क्या हुआ, यहाँ पर 200 से लेकर हम लोग 200 कैसे नहीं ला सकते, क्यों नहीं लाते हैं हम लोग 160, हम लोगों को बहुत टफ क्यों हो जाता है। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल कर देता हूँ जिसका भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारा जो WBJEE पे 200 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स 180 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, अब तो 75 क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन पहले जब होता मेरे टाइम में 80 क्वेश्चन बनता था, क्वेश्चन बनते थे। लेकिन वहाँ पर IITJEE पे कितना क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को पता है, यहाँ पर 20-20-40 या 40 लगभग 40 की तरह आप लोगों को क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी को पता है 40 वहाँ पर कितना स्कोर कर लेता है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 इस तरीके से। तो वहां पर मैंने एवरेज 3 लिया, क्योंकि वहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी होते हैं IITJEE पे, उसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन बहुत ही कम होता है, टाइम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में क्या होता है, यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका अगेंस्ट में हमारा जो टाइम होता है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में 80 जो क्वेश्चन बनता है 100 मार्क्स का, वो करना बहुत ही टफ हो जाता है। हाँ क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 80 के अंदर 60 क्वेश्चन, बहुत 2 आवर्स के अंदर 60 क्वेश्चन करना भी बहुत टफ हो जाते हैं। आप लोग अगर जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं अभी तक नहीं दिया, उसको शायद अभी तक पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आसान है, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। उसके बाद चले जाते हैं 130 से लेकर 150 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो 100 के अंदर रैंक आते हैं वो यही पर आते हैं 130 से लेकर 150। ये जो 130 से लेकर 150 का स्कोर होता है ये थोड़ा आसान है 160 से कंपैरिजन में, ये बहुत आसान है। जो लोग मैथमेटिक्स में
70 80 के अंदर स्कोर कर लेते हैं उसका, आसानी से 130 150 आ जाते हैं। तो ये वाला जो 100, वैसे मैं इतना आसानी से कह रहा हूँ लेकिन इतना आसान भी नहीं है 100, इतना आसान भी नहीं है 100 के अंदर रैंक करना, मतलब 130 से लेकर 150। जो लोग मैथमेटिक्स में 80 लाते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत हाई लेवल की मैथमेटिशियन होता है। मतलब वो मान लीजिए वो 2 साल से बहुत कड़ी मेहनत करती है तभी जाकर मैथमेटिक्स में 100 के अंदर 80 ला सकते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं ला पाएंगे। तो चलिए, मुझे पता नहीं आप लोगों को इतना सारा ग्रेड है, कौन सा ग्रेड में आपको रैंक करना है, कौन से कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन लेना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अगर आप लोगों का रैंक 4th ग्रेड तक जाता है तभी आप लोग जो जादवपुर यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो शायद बनाया था आप लोगों के लिए, कौन सी कॉलेज में कितना रैंक से एडमिशन लिया जाता है। इसीलिए हर एक स्टूडेंट का जो टारगेट होता है वो 1500 से लेकर 0 तक ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग चले जाते 120 से लेकर 130। 120 से लेकर ग्रेड से कितना रैंक है, 500 से लेकर 100, इसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, लगभग 500 आते हैं। एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करेंगे इस वीडियो से कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो घुस रहा है इस ग्रेड में, बहुत ही कम स्टूडेंट घुस रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे एक एक रैंक से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट घुसते हैं। मतलब 80 से लेकर 90 तक कितने स्टूडेंट से 2000, 5000 से 5000 से लेकर 3000 तक, 70 से लेकर 80 आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है, देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 से लेकर 11 तक जो रैंक प्रिडिक्शन है ये 100% आप लोग मान सकते हैं राइट है, ये कभी भी नहीं बदलता। ये 70 से लेकर लेस देन 15 तक यहाँ पर जो रैंक प्रिडिक्शन होता है ये कभी भी नहीं बदलता। मैंने हर एक साल देखा है बहुत से स्टूडेंट्स का हाथ कहता है कि 30-30 रेशियो मान लीजिए इस तरीके से 30-30-30 का। ज्यादातर स्टूडेंट से मैंने पूछा है वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं 90 का आंसर करके आ चुका हूँ, मेरा 200 से लेकर 200 के अंदर हम लोग 90 आंसर कर चुके हैं। तो उसका जो रैंक बनता है इन्हीं जो ग्रेड होता है इन ग्रेड में ही बनते हैं, 10,000 से लेकर 13,000 के अंदर। क्योंकि जो लोग 90 का आंसर करके आते हैं उसका आंसर जो राइट होते हैं मुझे लगता है लगभग 70 से लेकर 50 तक इस तरीके से। क्योंकि अगर आप लोग 90 आंसर करते हैं तो 90 कभी भी राइट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड होता है वो ऊपर का 3-4 ग्रेड, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। आप लोगों को पता है जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट होता है 3000 तक, 3000 का जो रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और उसके बाद जो होता है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए जाता है 3000 के बाद। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 5000 रैंक करके भी गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाते हैं, मैंने देखा है। मेरा ही कुछ दोस्त था जैसे मान लीजिए श्रीरामपुर लेदर टेक्नोलॉजी इस तरीके का जो कॉलेज होता है, वहाँ पर 10,000 12,000 15,000 की भी स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और फास्ट 6 तक आप लोग रैंक करने की कोशिश करना, इसको करने की कोशिश करना। अब चलिए लास्ट में बताऊंगा 90 से लेकर 100 ये वाला किस तरीके से आते हैं। जो लोग एवरेज प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को शायद लग रहा होगा 90 90 तो कुछ बात नहीं है, 30 30 30 90 हो जाता है। मैथमेटिक्स से 30 करेंगे, फिजिक्स में 30 करेंगे, केमिस्ट्री में 30 करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। तो हमारा रैंक कितना आ जाएगा, 3000 से लेकर 2000 के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है, किस लिए, यहीं पर जो 90 होता है ना, ये 90 लाने के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग सोचिए 100 लाने से कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तो अगर आप लोग ऊपर उठेंगे तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर 90 वो लोग ला सकते हैं जो मैथमेटिक्स में मिनिमम 45 लाते हैं और प्लस, तभी जाके आप लोग 90 श्योर ला पाएंगे। और अगर क्योंकि
मुझे पता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग 50 में से फिजिक्स में बहुत ही कम स्टूडेंट है जो 30 क्रॉस कर सकते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट होता है फिजिक्स में 30 क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, आप लोग कहेंगे कि मैं 30 का आंसर करके आ गया हूँ, लेकिन 30 का आंसर करने से कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा 30 में से 30 लाना पड़ता है। ये बहुत ही कम स्टूडेंट के लिए ही संभव होता है। आप लोग मान लीजिए 30 क्वेश्चन आंसर करके आ गया, लेकिन आप लोगों का आंसर राइट हुआ है 24, तो आप लोगों को 6 तो वहां पर माइनस 6 मतलब ऑन 20 मतलब एक दो नंबर माइनस होके यहाँ पर कितना आ जाता है, मान लीजिए 24th राइट होता है तो टोटल आ जाता है आपको 21 के लगभग। तो 21 इस तरीके से मान लीजिए केमिस्ट्री भी वही भी वहाँ आ जाता है 40, और 40 कितना आ जाता है 80। तो इसीलिए कहता हूँ आप लोग अगर 30-30 का रेशियो मान के चल रहा है तो आप लोग बहुत ही गलती करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा से मैं रैंक जो करता है उसके लिए मैं एक ही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना भी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कहता हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए आप, और मेरे साथ रहेंगे तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग किस तरीके से फर्स्ट 6th ग्रेड के अंदर रैंक कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं, वो 100% आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये है आप लोगों को रैंक प्रेडिक्शन फॉर WBJEE। आप लोग समझिएगा, और कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मुझे जितना पता है आप लोगों के पास पहुंचा सकूं। स्टूडेंट्स, और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों को ये जो रैंक प्रेडिक्शन है इसको देखकर लग रहा है कि रैंक करना बहुत ही हार्ड है, तो ये इस तरीके का कभी भी चिंता भावना नहीं लाने का, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैथमेटिक्स पहले कहे थे, मैथमेटिक्स में 100 के अंदर 60 कोई भी स्टूडेंट्स ला सकते हैं, अगर बस ठंडी दिमाग से मैथमेटिक्स प्रिपरेशन करे और एग्जाम टाइम भी ठंडे दिमाग से क्वेश्चन हल करे तो। क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, आज इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा, और कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और मुझे आप लोगों के साथ और एक वीडियो बनाना है, मैं कल ही बनाऊंगा, कि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं कि नए नए जुड़े, मुझे नए नए चैप्टर की नाम बता रहे कराने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट कर दूँ। वैसे तो मैं एलजेब्रा की मेन मेन जो चैप्टर होता है वो पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को पता भी है कि JEE का एग्जामिनेशन का ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास, इसीलिए हम लोगों को बेहतर ये होगा जो वाला चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ही वाला चैप्टर हम लोग पहले खत्म कर ले, उसके बाद जो कम इम्पोर्टेंट है उसको खत्म करें। तो आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊंगा फिर। तो चलिए, आज उसमें ज़्यादा बात ना करते हुए, फिर भी आप लोग अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद।